What's up guys, welcome back to channel. सारा दिन यही करते रहते हो, प्रोटीन खा लो, ऐसे बॉडी कैसे बनेगी? बॉडी एक्सरसाइज से बनती है। एक्सरसाइज करने को जा रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है? बादाम खाओ, पांच बादाम खाओ गाइस। तो क्या मन कर रहा है अभी के अभी ऐसे ऐसे उठाकर डस्टबिन? 4000 रुपए का सोच के। कोई बात नहीं, सेहत से बढ़कर ये। अरे सेहत ही बनाने के लिए नहीं बनती इससे। देन मजाक से हट के भाई देखो, सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपका नेचुरल फूड को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। जो नॉर्मल डाइट चल रही है वो लेनी चाहिए। जा रहे हो कलेश करके सुबह सुबह वर्कआउट? कुछ नहीं, मेरे सामने पीता है, मेरा खून जलाता है, तो मैं जाऊंगी ना। मेरा खून बनता है इससे? बनता। बेसिक सप्लीमेंट्स मैं यूज करता हूँ, अमीनो यूज करता हूँ इंटर वर्कआउट के लिए, प्रोटीन यूज करता हूँ रिकवरी के लिए, एंड बाकी अपना खाना पीना जरूर करो। एंड दो मिनट लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड भाई लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो, कुछ भी तेरी जो लिखना लिख दो। आप पिछली बार लिखने लग गए थे सब। मतलब वेट तो आप लोग को दिखा रहा हूँ, बट देन फोन मेरे हाथ में रहेगा। ये अभी मेरा वेट आ रहा है 86.9। मैंने सुबह भी चेक करा था, बिना पानी के भी सेम आ रहा था, पॉटी नहीं करी थी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, बट ठीक है। तो मैं जानना है भाई, तो सब बताएंगे, पॉटी सुसु कब कहाँ कहाँ हगा है कंटेंट के ला। तो भाई मेरा वर्कआउट वगैरह सारा खत्म हो चुका है। क्या शुरू करना तुझे? भाई देखो 3 साल बाद आशीष ने आ रहा है हमारे ब्लॉग को। जिस लोगों ने आई शो स्पीड देखा ना, ये उसका भाई देसी वर्जन। भाई कैमरे सामने मैं इसके लिए ना छुप के कैमरा रिकॉर्ड रखवाना पड़ेगा। स्पीड का ना 24 घंटे कैमरा साथ चले, इसके लिए जॉब भी निकलते हैं। शक्ल तो तेरी नॉटी वाली है। एक तो ये प्यार है, और दूसरा प्यार वो लोग है जो बिना कुछ करे हमारी वीडियो पे कमेंट और लाइक करते। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, मैं शायद आपको एक दो दिन में बता दूंगा। इंटरनेशनल सब स्टैंडर्ड गुड़गांव में सबसे अच्छा क्रिकेट मैच होने वाला है, खेलने जाए। बिकॉज हमारी इंजरी अभी थोड़ी सी रिकवर हो गई। जिन लोगों को नहीं पता, हमने अपनी टांग तोड़वाई थी, किसी ने तोड़ी थी और किसी ने साथ दिया था उसका, जो हमें बाद में पता चला। वो आप पुराना व्लॉग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला। मन तो था उसी टाइम फ्लाइट कराओ जाओ बंदा है, बट चलो ठीक है, बंदी भी हो सकती है वैसे, बट तभी सस्पेंस बनाए रखते हैं। तभी सबसे पहले एक जगह पे जा रहे हैं कुछ पैसे देने। पैसे क्यों देने जा रहे हैं भाई? देखो साल में 15 अगस्त आता है, उस दिन मिली थी हमें इंडिपेंडेंस। यार इतने शुभ दिन पे हमने हर साल कुछ नया देखा है। अब जो लोग गाड़ियों से समझ गए उनको पता होगा कि 15 अगस्त को क्या होता है। इस बार भी भाई धमाल होने वाली है, एंड उसकी अभी झलक आपको देते हैं। जब भाई बोलता है कि वो सरप्राइज देने वाला है, मतलब भाई सरप्राइज देने वाला है। भाई ये देखो, साल में एक बार यहाँ चक्कर लगता है। आप लोग गेस कर चुके होंगे किस चीज के लिए आए। कुछ खुशखबरियां आने वाली है। ये ब्रांडिंग देख रहे हो, ये देख लो ब्रांडिंग। थार जो नई वाली आएगी उसमें ना, अगर सारे सिस्टम्स है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, स्टेयरिंग का सिस्टम है, अगर वो सब चीजें स्कॉर्पियो एंड जैसी अच्छी आई, बिकॉज अभी थार का स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी है, एंड इसका जो 4x4 सिस्टम है वो है थोड़ा सा पुराना, बट जो स्कॉर्पियो का सिस्टम है, जो बटन दबाते ही टेरेन रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है ना, अगर वो सेम चीज अगर थार 5 डोर में दे दी तो इट विल बी अ किलर। हो सके तो हम आपसे सबसे पहले रिव्यू शेयर करेंगे, बट इसकी बोल्ड एंड टफ लुक्स भाई नेक्स्ट लेवल है, कोई कंपैरिजन नहीं। मेन चीज जिसके लिए हम आए थे, आप लोगों को पता ही है, ये नंबर हमारी X5 पे चढ़ चुका है। हमने इसके लिए एक नया नंबर लिया था, क्योंकि अब भाई गाड़ी जाने वाली है, एंड आप में से कोई एक ही ले रहा है, वो हमारा आया है HR26FJ, जो सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है 2661। मैंने उनको बोला 1661 अगर मिल जाए तो ले लो, बट वो कोई ले गया। नंबर प्लेट चेंज करने में एक दिक्कत आती है भाई, जो छेद हो जाते हैं ना वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे ये एक छेद है, इसके हल्की सी साइड पे करनी पड़ेगी, बट उससे थोड़ा सेंटर आउट हो जाएगा जो हमारी स्कॉर्पियो। जो हम सोच रहे थे वो हो चुका है, थार का हमने बोल दिया है सबसे पहले हम लेंगे डिलीवरी, साथ के साथ एक और कमरा भी है। काफी लोग ऑनलाइन बोल रहे थे कि प्री बुकिंग चल रही है, जैसे ऑफिशियली अभी तो कोई बुकिंग नहीं आई, तो अनऑफिशियल बुकिंग चल रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वेरी सून आपको हम इसी शोरूम से डिलीवरी लेते हुए मिलेंगे, बिकॉज अब भाई बोल दिया है तो लानी तो पड़ेगी। आप लोग मेरे से पूछते हैं भाई आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी, और आपको कौन सी गाड़ी का सबसे ज्यादा क्रेज था? एक गाड़ी थी जो मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आती थी, बहुत मूवीज में यूज होती थी, जहाँ से मैंने देखी कि यार ये ना अलग ही चीज है, वो है ये Volkswagen Tiguan। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में भी यूज हुई थी, और मुझे इतनी ज्यादा प्यारी गाड़ी लगती थी भाई। ये जब हम थोड़े समझदार हो गए, हमें रीसेल वगैरह चीजें समझ आई, हमने देखा कि भाई कुछ गाड़ियों की रीसेल नहीं है, एंड उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई। टांग टूटने की बात हो रही थी, उसी हॉस्पिटल के सामने आ गए जहाँ हमारा ऑपरेशन। बड़ा अजीब लगता है भाई यहाँ ना, मतलब ये क्रॉस भी करता हूँ ना तो दर्द याद आ जाता है। जो उस लड़की ने दिया था वो वाला दर्द नहीं, उस लड़के ने दिया था वो वाला दर्द, बताओ सारे लड़के लड़की हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो अभी ना मुझे रेड लाइट पे एक भाई मिला, उसने ना चिल्लाते चिल्लाते बोलते गया, भैया आपने ना मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा मन तो करता आगे जाके रोकूं उसको, मैं भाई क्या हो गया? ऐसी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यार ऐसे कोई बोलता है ना, आप सोचते हो कि ऐसा आपने क्या करा है जो आपने किसी की जिंदगी बदली है। एंड मुझे तो काफी लोग बोलते भैया आप नेगेटिव नहीं होते, आप हमेशा इतना पॉजिटिव और खुश रहते हो, आपके घर वाले। जिंदगी में सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, अलग
अलग टाइप के स्ट्रेस है। अभी जैसे मेरे ऊपर जो स्ट्रेस है मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा मन है बट बहुत चीजों का स्ट्रेस हो रखा है। अभी घर का मुझे बनाना शुरू करना है, काफी लोगों को तो लग रहा है मैंने घर खरीदा ही नहीं, वो तो बस वीडियो बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। घर है, कुछ ऐसी चीजें प्लान करनी है जो मैं नहीं बता सकता, बट उसकी भी पूरी एक सीरीज आने वाली है एंड उस चक्कर में ना काफी चीजें हमारी जिंदगी में उथल पुथल होने वाली है। हमने कल से आपको ऑफिस से पिक कर लिया है, स्कूल कैसा था बेटा? स्कूल तो बहुत बढ़िया था पापा जी, लेकिन आपने नंबर प्लेट लगवा ली फिर गाड़ी की? एट लास्ट जहाँ लेके गया हूँ, मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर इसकी आरसी में तो कुछ और है और इसमें कुछ और है और सर ये बीएमडब्ल्यू दिखा रहा है सर, ये सीधा सीधा गाड़ी इंपाउंड होती है और कुछ नहीं। बट कर्नल साहब है गुड़गांव में, कोई टेंशन नहीं, गाड़ी इंपाउंड होती है। हाँ। ये वो तो अभी बता रहा है पापा को, मैंने कहा पापा गुड़गांव तो आप संभाल लोगे, दिल्ली मत लेके जाना क्योंकि वापस नहीं आएगी, दिल्ली भी लेके गया हूं। अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे बच्चे को लेने, मम्मी को हम पिक करेंगे। आई नो आप लोग मिस कर रहे थे ये कर्नल साहब और मम्मी को ना ऑफिस से पिक करना, ये हम सोच रहे कि काम शुरू करते हैं टैक्सी सर्विस। काफी लोग बोल रहे थे ऑफ रोड एडवेंचर नहीं हो रहा, ये देखो मम्मी पापा को ले आए ऑफ रोड एडवेंचर, बस तू हमारी को लेते ही ऑफ रोड पे चला जा, मम्मी मजा आ रहा है वो देखो भाई, ऐसा ऑफ रोड एडवेंचर हो रहा है, उस होंडा सिटी वाला भी निकाल रहा है वहाँ से। छुट्टी कल ऑफ रोड क्यों छुट्टी क्यों है? छुट्टियां ना कम मनाया करो मम्मी, काम पे जाया करो, वैसे अब कम मिलती कम है, 60 साल के हो गए अभी भी काम ही करी जा रहे हैं। हाँ काम तुम करा ही जा रहे हो, तुम्हारे तो हमारे मेरे को तो रडार में नहीं दिख रहे हमारे रिटायरमेंट। कोई ना पापा आप जवान इतने हो, आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते। 60 साल का किसको बोल रहे हैं? और इस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं पहले रिटायरमेंट ले लूं। कल साहब के किससे पापा कहते एक बात याद आ गई उनको, तो टीचर ने गाड़ी खड़ी करी सडनली ना, शी स्टार्टेड क्राइंग फायर 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 फायर, तो मैंने देखा सारे भाग भाग के, मैंने बोला भैया भैया इसको आग बुझाओ, तो फटाफट गए फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाएगी, तो मैंने कहा यार ये गाड़ी खड़ी में टायर में कैसे आग लग गई, मैंने स्टाफ को बोला इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो कहता सर हमने ना वो घास इकट्ठी करके जो पत्ते पुत्ते थे वहाँ पे आग लगाई थी और टीचर ने गाड़ी आ गया उसके ऊपर खड़ी कर दी। तो गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ गाड़ी के टायरों को आग लग गई। गाड़ी के टायरों को आग लग गई, तो उन्होंने क्या किया, पार्क करता है वो नीचे नहीं देखता ना, मतलब पीपल केम टू मी कि सर उनको कॉम्पेंसेशन, मैंने कहा जी इसका क्या कॉम्पेंसेशन है कि अपनी गाड़ी खुद ही आग पे खड़ी कर दो। क्या कहना चाह रहा हूँ, लेडीज कहीं भी गाड़ी लगा, कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेडीज पीछे है मैं कुछ नहीं बोल, लड़के भी वैसे ऐसे करते कहीं भी गाड़ी लगा देंगे फोन पे बात करते करते ही होता है। वैसे मेरे साथ भी हो चुका है, मैं ऐसे एक बार ना पार्किंग में लगाई थी और गलती से ना तब जब मैनुअल हमारे पास स्विफ्ट होती थी वो मैंने न्यूट्रल पे छोड़ के मैं चले गया, मैं वापस आया मैं देखी गाड़ी वहाँ है नहीं, गाड़ी पीछे एकदम दीवार पे बजी हुई थी, मुझे रियलाइज हुआ न्यूट्रल पे छोड़ क्लाइंट पर, इसलिए तो मैं वो वाला लेते हो कि हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं भाई, अब पैसे आ गए अब कोई टेंशन। जैसे कि मैंने कहा है खाना तब खाओ जब भूख लगती है, उसी चक्कर में हमने लिए सैंडविच मंगा लिया है। इसको डाइटिंग कहते हैं, दिन में कुछ खाओ मत और रात को बाहर से खाओ, ये करण सहगल की डाइट है। अगर तभी करण सहगल ये नहीं बनता यू बनता रात के 11:15 बज रहे हैं, अंधेरे में हम कहीं निकल चुके हैं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग बड़ा मजेदार सा भाई टाइम पास वाला क्रिकेट मैच होने वाला है, तो हम मिलने जा रहे हैं, उसमें से एक है पूर्व झा हमारे एआई के भाई, मतलब एआई है वैसे वो पूरा, आज पता नहीं कौन से रूप में आया होगा, चोको चोको लेके आया होगा। हमारे साथ आ चुके हैं एआई, मिस्टर एआई झा, ये भाई तो सच्ची में है ना, सच्ची की बीएमडब्ल्यू चला रहा है और ब्रो दिस इज पागलों की तरह बोली जा रहे थे और मेमोरी खत्म हो गई थी, तो अब प्लान ये है कि होने वाला है क्रिकेट लीग यार, फर्स्ट टेक वाली फील होती है यार दोबारा एक्टिंग एक्शन, अब सही में भाई मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, करण भाई के साथ मजा आएगा खेलने का, सच पूरा लाइव स्ट्रीम होने वाला है, इतनी ये बकचोदी करते हैं मुझे लगता है एडिट में तो मोस्टली चीजें निकल जानी है, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं खेलेगा वहाँ पे ना, बस गाली गलौज और लड़ाई झगड़े, कितनी लड़ाइयां होंगी मुझे ये बता दे भाई, मजा आ जाएगा मैं सही बता रहा हूँ, वहाँ जो देखने आएगा उसको तो मजा आएगा, बाकी लाइव स्ट्रीम पे तो मजा आएगा। एंजल एक दिन बैठ के भाई 10 व्लॉग्स देखे थे आरुष के, बोला पता उसके बाद नहीं देखे बट वो एक दिन देखे, मैं ये आपस में ही 4 बार लड़ लेंगे, आज स्ट्रेटेजी चेंज करनी है भाई, उनकी टीम वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे। बाहर नहीं गई, बाहर नहीं गई, आराम से शॉट है, शॉट है संदीप, अबे यार मत कर हरकतें, अभी वीडियो बंद रख, वीडियो बंद रख, लंबी हो जाएगी बंद रख, अरे बंद ही हुई है चूतिया बोल करिए, शॉट है, पिटेंगे टीम में ले लेंगे, तू आएगा तू दिल्ली गैंग में नहीं है, मैं तेरे हेड आ जाऊंगा, डाल लंबा बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत पिट, ओए करण भाई देख के यू कैन ओनली अब्यूज बॉल, भाई टाई हो गया, इसका हम रीमैच लेंगे, 1-1 हुआ है अभी, सो के गाइस टीम 1 टीम 2
भाई क्या बढ़िया मैच हुआ है एंड ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाया इससे पहले आप लोग बोलो, देखो पहली बार मिल रहा हूँ किसी के मुंह पे कैमरा रख दूंगा एकदम से भाई, उसके लिए भी ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए भी। नौ को मैच होगा थोड़ी जंग जंग छिड़ेगी तब आएगा मजा। इनके ना भाई पागल लोग है, अलग ही लेवल की एनर्जी। मैंने बोला भाई अगर इनके अगेंस्ट मैच हार गए ना भाई इन्होंने ना जीना मुश्किल कर देना है। और इसीलिए भाई हमने कल प्रैक्टिस करने वाला, अभी दो दिन प्रैक्टिस करेंगे, आज सात मतलब शुरू हो गया, आज रात को और आठ रात को प्रैक्टिस करेंगे और नौ को मैच। एंड कल भाई टीम अपनी सारी बिठा गए, टीम मीटिंग करके भाई बढ़िया सेटअप करेंगे ताकि भाई किस आदमी की नाक नहीं कटवानी भाई, सिंपल सी बात है। मेरे से पाप होने वाला, रात के 3 बज रहे हैं, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और मैंने सुबह से सिर्फ एक ही मील खाई हुई है, भूख लग रही थी भयंकर।